इस हेल्दी फूड को बनाने के लिए ये देखिए मैंने यहाँ पर 3 छोटे चम्मच साबूदाना लिया है। अच्छे से वॉश करने के बाद इसे मैंने भिगो दिया था लगभग 2 घंटे के लिए और आप देख सकते हैं इसका एक एक दाना एकदम अच्छे तरीके से भीग गया है। साथ ही हम यहाँ पे आधा आलू ले रहे हैं, तो बॉईल किया हुआ मैंने आलू लिया है। तो सबसे पहले हम इसका छिलका उतार लेंगे। यकीन मानिए दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है, तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिए आलू का मैंने छिलका उतार लिया है और इसे हम ये देखिए इस तरह से कद्दूकस कर लेंगे। आप चाहें तो हाथों की हेल्प से भी इसे मैश कर सकते हैं। तो ये देखिए आधे बॉईल आलू को मैंने इस तरह से कद्दूकस कर लिया है। और रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने गैस पर कढ़ाई भी रख दी है। तो अब इसमें हम डाल देंगे 1 कप के लगभग पानी और पानी में उबाल आने देंगे। और पानी जैसे ही हल्का गर्म हो जाएगा तब इसमें हम ये जो साबूदाना हमने भिगो कर रखा है इसे हम डाल देंगे कढ़ाई में और इसे पानी के साथ में मिलाते हुए पकने देंगे लगभग 2 मिनट के लिए बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर। तो साबूदाने को पकाते हुए मुझे 2 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं इसका कलर हल्का सा ट्रांसपेरेंट भी हो गया है और थोड़ा सा ये गाढ़ा भी हो गया है। तो इसी समय पर अब इसमें हम मिलाएंगे 1 कप के लगभग दूध, इसे हम डाल देंगे कढ़ाई में, मिक्स कर लेंगे एक बार इसे अच्छे से और इसे 2 मिनट के लिए और पकने देंगे। तो दूध के साथ में साबूदाने को मैंने 2 मिनट और पका लिया है। ये देखिए हल्का हल्का गाढ़ापन इसमें आना भी शुरू हो गया है। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे ये जो आधा आलू हमने कद्दूकस करके रखा हुआ है बॉईल वाला, इसे हम डाल देंगे कढ़ाई में। इसी के साथ अब इसमें हम मिलाएंगे आधा छोटा चम्मच जैगरी पाउडर, आप इसकी जगह मिश्री पाउडर भी ले सकते हैं। आधा छोटा चम्मच मैंने ड्राई फ्रूट पाउडर लिया है, इसे डाल देंगे और सभी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे बिल्कुल लम्स फ्री होने तक। तो ये देखिए मैंने इसे एकदम अच्छे तरीके से मिला लिया है और अब इसे हम 2 मिनट के लिए और पका लेंगे जिससे कि आलू में भी मीठा एकदम अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो सभी चीज़ें मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं मैंने इसे 2 मिनट के लिए और पका लिया है, अच्छे से ये गाढ़ा भी हो गया है। तो अभी हमारा हेल्दी फूड बनकर तैयार हो चुका है छोटे बच्चों के लिए। अभी आप देख सकते हैं ये हल्का सा लिक्विड है, लेकिन जैसे जैसे ये ठंडा होता जाएगा और भी ज़्यादा ये गाढ़ा हो जाएगा। तो बस अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और अब ये फूड बनकर तैयार हो चुका है। तो इसे हल्का सा ठंडा होने पर आप इसे अपने बच्चों को सर्व कर सकते हैं। तो फूड अब सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब इसे हम निकाल लेंगे सर्विंग बाउल में और ये बनकर तैयार हो चुकी है हमारे घर के बच्चों के लिए सुपर हेल्दी एंड टेस्टी वेट गेन रेसिपी। और देखा ना आपने इसे बनाना कितना आसान है, बहुत ही कम सामग्री में झटपट से ये हेल्दी रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है। तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा इसे अपने बच्चों के लिए, इसका स्वाद बच्चों को काफ़ी पसंद आएगा। और इसे आप सप्ताह में 1 से 2 बार बनाकर अपने बच्चों को दे सकते हैं। इसे खाने से बच्चों का वजन तेजी से बढ़ेगा, हड्डियां मजबूत बनेंगी। इस हेल्दी फूड को बनाने के लिए ये देखिए गैस पर मैंने प्रेशर कुकर रख दिया है। इसमें हम डाल देंगे 1 छोटा चम्मच घी और घी को मेल्ट होने देंगे। तो घी जैसे ही हल्का गर्म हो जाएगा तब इसमें हम ऐड करेंगे गेहूं का दलिया। तो 3 छोटे चम्मच मैंने गेहूं का दलिया लिया है, इसे हम डाल देंगे कुकर में और इसे घी के साथ में मिलाते हुए रोस्ट कर लेंगे लगभग 2 मिनट के लिए बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर। तो ये देखिए लगभग 2 मिनट हो चुके हैं, दलिया अच्छे से रोस्ट हो गया है। आप देख सकते हैं इसका कलर भी हल्का चेंज हो गया है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। तो इसी समय पर अब इसमें हम मिलाएंगे पानी। तो 1 बड़ा ग्लास भरकर पानी हम कुकर में डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे इसे अच्छे से। और मिक्स करने के बाद अब हम प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा देंगे और इसमें हाई फ्लेम पर 4 से 5 सीटी आने देंगे। तो ये देखिए कुकर में 5 सीटी आ गई है, कुकर का प्रेशर भी ख़त्म हो गया है। अब इसका हम ढक्कन हटा लेंगे और दलिया एकदम अच्छे तरीके से पक गया है। तो फिर से हम गैस ऑन कर लेंगे और अब इसमें हम 1/2 कप के लगभग पानी डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे इसे एक बार और इसमें उबाल आने देंगे। और जैसे ही इसमें उबाल आ जाएगा तब ये देखिए इस तरह से चम्मच की हेल्प से इसे हल्का दरदरा सा हम मैश करते जाएंगे। आप चाहे तो मैशर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसे मैश करने के लिए। तो मैश करने के साथ ही अब इसमें हम मिलाएंगे दूध। तो 1 कप दूध लिया है, इसे डाल देंगे।
और दूध को अच्छे से मिला लेंगे और इसे पकने देंगे 1 से 1.5 मिनट के लिए बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर। तो इसे पकाते हुए 1.5 मिनट हो चुका है मुझे, ये देखिए दलिए ने दूध को एकदम अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर लिया है। तो अब इसमें हम मिलाएंगे 1/2 छोटा चम्मच ड्राई फ्रूट पाउडर, इसे डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे इसे अच्छे से और अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो गैस की फ्लेम ऑफ करने के बाद अब इसमें हम मीठा मिलाएंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 से 3 छोटे टुकड़े गुड़ के लिए है, इसे हम डाल देंगे कुकर में। आप चाहे तो गुड़ की जगह मिश्री पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सर्दियों के मौसम में अगर गुड़ मिलाकर दलिया बनाएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा और बच्चों को भी काफ़ी पसंद आएगा। और गुड़ को एकदम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए गुड़ मिक्स हो चुका है दलिये में और अब इसे थोड़ा सा और हेल्दी बनाने के लिए इसमें हम मिलाएंगे 2 से 3 बूंद घी। आप चाहे तो घी इस समय पर स्किप कर सकते हैं। मिला लेंगे इसे और अब ये हमारी हेल्दी और टेस्टी रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है छोटे बच्चों के लिए। तो बस अब आप इसे अपने बच्चों को सर्व कर सकते हैं। तो फूड अब सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब इसे हम निकाल लेंगे सर्विंग बाउल में और ये बनकर तैयार हो चुकी है हमारे घर के बच्चों के लिए सुपर हेल्दी एंड टेस्टी वेट गेन रेसिपी। आप इसे दादी नानी वाली रेसिपी भी कह सकते हैं। तो एक बार आप इसे बनाकर अपने बच्चों को ज़रूर खिलाइएगा, ये स्वाद में बच्चों को काफ़ी पसंद आएगी, साथ ही बच्चों का वज़न बढ़ाने के लिए काफ़ी लाभदायक है और इसे आप 10 महीने से ऊपर के बच्चों को बनाकर दे सकते हैं। इस सुपर हेल्दी फूड को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ की ये देखिए शकरकंद ली है। इसे मैंने पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर वाला साइड और नीचे वाला साइड निकाल देंगे और इसका छिलका हम उतार लेंगे। इसी तरह से दूसरे वाले शकरकंद का भी छिलका उतार लेंगे। तो ये देखिए शकरकंद का छिलका मैंने उतार लिया है और एक बार इसे और अच्छे से वॉश कर लिया है और अब इसे हम इस तरह से पतले पतले स्लाइसेस में काट लेंगे। तो मैंने इसे बिल्कुल एकदम पतले स्लाइसेस में काट लिया है और इस रेसिपी को बनाने के लिए गैस पर मैंने पैन रख दिया है। इसमें हम डाल देंगे 1 गिलास पानी और पानी में उबाल आने देंगे। जैसे ही पानी में उबाल आ जाएगा तब हमने जो ये शकरकंद के पीसेस काट कर रखे हैं इसे हम डाल देंगे पैन में, थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे इसे। और इसी के साथ मैंने यहाँ पर एक खजूर लिया है, तो खजूर के अंदर वाला बीज मैंने निकाल दिया है, इसे भी हम पैन में डाल देंगे और इसमें बॉईल आने देंगे 3 से 4 मिनट के लिए बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर। तो ये देखिए इसे पकाते हुए मुझे 4 मिनट से ऊपर हो चुके हैं और आप देख सकते हैं शकरकंद एकदम अच्छे तरीके से गल गई है। तो बस अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे हम हल्का सा ठंडा होने देंगे। तो बॉयल शकरकंद यहाँ पर हल्की ठंडी हो चुकी है। अब मैंने लिया है यहाँ पर ग्राइंडिंग जार, तो बॉयल की भी सभी सामग्री अब हम ग्राइंडिंग जार में ट्रांसफ़र कर देंगे और इसे हम पानी सहित ही ऐड कर देंगे जिससे कि इसे ग्राइंड करने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। तो ये देखिए सभी सामग्री को मैंने ग्राइंडिंग जार में डाल दिया है। अब हम जार का ढक्कन लगा देंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है और एकदम स्मूथ प्यूरी ये देखिए इसकी बनकर तैयार हो चुकी है। मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं है। तो अब ये हेल्दी रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है और अब इसे हम सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। और ये बनकर तैयार है डियर पेरेंट्स, आपके घर के छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए सुपर हेल्दी एंड टेस्टी रेसिपी है। तो अगर आप इसे ठंड के मौसम में बच्चों को बनाकर देते हैं तो इससे बच्चों को ठंड भी नहीं लगेगी, आंखों की रोशनी तेज होगी और इम्यूनिटी और एनर्जी बच्चों की बढ़ने लग जाएगी और इसे आप 8 महीने से ऊपर के बच्चों को बनाकर दे सकते हैं। तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इसका स्वाद बच्चों को काफ़ी पसंद आएगा और इसमें फाइबर की भरपूर मात्रा है, इससे बच्चों को पचने में काफ़ी आसान रहेगी। तो एक बार आप इसे बनाकर अपने बच्चों को ज़रूर खिलाइएगा। तो इस हेल्दी रेसिपी को बनाने के लिए ये देखिए गैस पर मैंने पैन रख दिया है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है 4 छोटे चम्मच प्लेन ओट्स, इसे हम डाल देंगे पैन में। इसी के साथ अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच मैंने पम्पकिन सीड्स लिए हैं, इसे डाल देंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 काजू, साथ ही हम ले रहे हैं 2 बादाम, इसे भी ऐड कर देंगे। आप चाहें तो इसमें 1 अखरोट की गिरी भी ऐड कर सकते हैं। तो सभी चीज़ें हमने पैन में डाल दी हैं और अब इसे लगातार चलाते हुए ड्राई रोस्ट कर लेंगे बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर लगभग 1.5 मिनट के लिए।
तो ये देखिए इसे रोस्ट करते हुए मुझे 1.5 मिनट से ऊपर हो चुका है और आप देख सकते हैं इसका कलर भी हल्का सा चेंज हो गया है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे हम अलग प्लेट में फैलाकर हल्का सा ठंडा होने देंगे। तो अब मैंने यहाँ पर गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है और रोस्ट की भी सभी सामग्री को अब हम निकाल लेंगे अलग प्लेट में और इसे हल्का सा ठंडा होने देंगे। तो रोस्ट की भी सभी चीज़ें हल्की ठंडी हो चुकी हैं और क्रिस्पी भी हो चुकी हैं, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। और सभी चीज़ों को अब हम ग्राइंड कर लेंगे। तो इसे ग्राइंड करने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है ग्राइंडिंग जार और सभी सामग्री को अब हम ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे और अब हम जार का ढक्कन लगा देंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है, बहुत ही अच्छे तरीके से ग्राइंड हो चुका है, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। और आप चाहें तो इसे छान भी सकते हैं। और अब इसे हम हाथों हाथ अलग बाउल में निकाल लेंगे या फिर एयरटाइट जार में इसे स्टोर कर लेंगे। तो इस तरह से आप इसे ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर स्टोर कर सकते हैं, 15 से 20 दिनों के लिए बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होता है। तो अब आइए देख लेते हैं कि इसका फूड हमें बच्चों के लिए कैसे बनाना है। तो फूड बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है पैन, इसमें हम डाल देंगे 1 गिलास पानी। और अब ये जो पाउडर हमने बनाकर तैयार किया है इसके 2 चम्मच पाउडर हम पैन में डाल देंगे। तो पाउडर की क्वांटिटी आप अपने बच्चों की डाइट के हिसाब से थोड़ी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो 2 चम्मच पाउडर मैंने पैन में डाल दिया है और अब इसे पानी के साथ एकदम अच्छे तरीके से मिला लेंगे बिल्कुल लम्स फ्री होने तक। तो ये देखिए एकदम अच्छे तरीके से मैंने इसे मिला लिया है, बिल्कुल भी लम्स नहीं है इसमें। और अब इसे हम गैस पर रख कर पका लेंगे। तो पैन को मैंने गैस पर रख दिया है, अब हम गैस ऑन कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे पकने देंगे 4 से 5 मिनट के लिए। और चम्मच हम इसमें चलाते रहेंगे, नहीं तो ये तले पर लग भी सकता है। तो ये देखिए इसे पकाते हुए मुझे 2 मिनट से ऊपर हो चुके हैं, आप देख सकते हैं हल्का हल्का ये फूलना भी शुरू हो गया है। तो इसी समय पर अब इसमें हम मिलाएंगे 1/2 छोटा चम्मच जैगरी पाउडर। आप चाहें तो यहाँ पर गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर गर्मियों के मौसम में बना रहे हैं तो इसमें मिश्री पाउडर भी आप मिला सकते हैं। मिक्स कर लेंगे इसे अच्छे से और इसे पकने देंगे इसी तरह से 2 मिनट के लिए और। तो फूड को पकाते हुए मुझे 2 मिनट और हो चुके हैं, टोटल मैंने इसे 4 मिनट के लिए पका लिया है। और अब इसे थोड़ा सा और हेल्दी बनाने के लिए इसमें हम मिलाएंगे 2 बूंद के लगभग घी। तो घी बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो घी मैंने पैन में डाल दिया है, इसे मेल्ट होने देंगे फूड के साथ में। तो ये देखिए घी एकदम अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है और अभी हमारी सुपर हेल्दी रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है छोटे बच्चों के लिए। तो बस इससे ज़्यादा हम इसे और नहीं पकाएंगे, अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और फूड जैसे ही हल्का सा ठंडा हो जाएगा तब इसे हम सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। और ये बनकर तैयार हो चुकी है हमारे घर के नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों के लिए सुपर हेल्दी एंड टेस्टी रेसिपी, जिसे आप ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर किसी भी टाइम में बनाकर अपने बच्चों को दे सकते हैं। तो देखा ना आपने इसे बनाना कितना आसान है। तो जब कभी आपके पास में समय कम हो तो आप इस तरह से पाउडर बनाकर रख सकते हैं और बच्चों को इसे किसी भी टाइम पर बनाकर दे सकते हैं और ये बच्चों को टेस्ट में काफ़ी पसंद आएगा, बच्चों का संपूर्ण विकास तेज़ी से होने लग जाएगा। तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कैसी लगी आपको आज की रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।